Hi, Namaskar. Welcome to my channel, Stay Perfectly Imperfect. How are you people? So today I'm here with a new topic or new review, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ Huda Beauty के pastel palettes के बारे में. Actually, ये market में काफी time से है and ये palettes बाकी palettes से थोड़े से अलग है क्योंकि ये pastel colors पे focus करते हैं. इसके दो तीन variants Huda Beauty ने launch किए थे market में, जिसमें से मैं आज बात करने वाली हूँ दो palettes के बारे में specifically, जो है their pastel mint एंड देयर पेस्टल लाइलेक. सो ये दोनों ही, मतलब क्योंकि मुझे ब्लू के ये शेड, जो शेड है ब्लू का ये कलर एक्वा, वो मुझे बहुत पसंद है. लाइलेक तो नेक्स्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम में नेक्स्ट ब्लैक बनने वाला है. इतना ज्यादा मार्केट में इस समय लाइलेक का डिमांड है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि ये दोनों पैलेट्स को मैं ट्राई करती हूँ. तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में. तो प्राइसिंग में इसका प्राइस है 2400 पर पैलेट. दोनों मैंने नायका से परचेज किए थे. तो अभी ये काफी अच्छी पैकेजिंग में आते हैं, काफी स्लीक पैकेजिंग है, ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है. और अगर मैं इसका इंटीरियर दिखाऊं तो इसमें एक मिरर है, जो कि बहुत अच्छी बात है. पैलेट में मिरर होना इसलिए मस्ट होता है क्योंकि क्या है कि आपको फिर एक्सटर्नल मिरर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड इट्स क्वाइट गुड मिरर. अगर आप देखो तो अच्छा सा मिरर है और 9 डिफरेंट शेड्स मिलते हैं, जो है कलेक्टिवली कुछ मेटालिक शेड एंड कुछ मैट शेड्स. तो काफी अच्छा इन टोटल पैलेट है, मतलब इन विथ रिस्पेक्ट टू द कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल. तो उस हिसाब से तो मुझे काफी पसंद आया. अब बात कर लेते हैं कुछ इनका की प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो कैसा है. ठीक है, Huda Beauty बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है. आप खुद जानते होंगे कि Huda Beauty जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जिसके बाकी सारे लिपस्टिक ले लो चाहे कोई भी अदर प्रोडक्ट्स ले लो, वो बहुत अच्छे होते हैं. हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये पैलेट लाइक इट्स गुड पैलेट, इट इज नॉट बैड पैलेट. बट इसकी एक चीज थी जो मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट करा, जो मुझे बुरा लगा, वो है इनके मैट कलर्स. ठीक है, इनके मेटालिक कलर्स आर ऑसम, सीरियसली ऑसम है. बट इनके मैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ये थोड़े चौकी लगते हैं कुछ कलर्स स्पेसिफिकली, नॉट ऑल बट कुछ कलर थोड़े से चौकी है. बट इसके मेटालिक कलर्स आर एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल. और दूसरी सबसे अच्छी बात है जो इसके मेटालिक कलर्स की, कि आपने नॉर्मली मेटालिक कलर्स देखे होंगे वो बहुत, मतलब वाइब्रेंट या आपको सटल मेकअप के लिए नहीं चल पाते. ठीक है, मेटालिक कलर्स, बट इसके मेटालिक कलर्स ड्यू टू द कलर स्कीम बहुत सटल फिनिश है, बहुत ज्यादा सटल. मतलब एक बार जब ये सेटल होते हैं आपकी आई पे तो कुछ ऐसा हैवी नहीं लगता. जैसे अभी भी मैंने इसका मेटालिक का कलर यूज किया हुआ अपने आईज पे, आप देखो कितना सटल मेकअप लग रहा है. मैं इवन एक नॉर्मल टी वेयर कर रही हूँ उसके साथ भी मेरा मेकअप प्रॉपर जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज है. इस मामले में तो मुझे, मतलब 10 out of 10 प्रॉपरली मेटालिक कलर्स को दूंगी मैं प्रॉपर. एक और चीज है कि ये सेटल होने के बाद थोड़ा सा डार्कर कलर में सेटल होते हैं. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल है लाइलेक पैलेट की बात करूं तो जो इसका ये पर्पल है, जितना ये दिख रहा है उससे थोड़ा डार्कर लगाने के बाद आपकी आईज पे सेटल होता है. तो वो एक चीज है. तो हमेशा याद रखना कि आपको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा इस पैलेट के साथ. अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ेगा ताकि वो कलर जो है वो ज्यादा ना हो जाए. बट इन टोटल वो तो हम कैसे भी हैंडल कर सकते हैं, बट कलर स्कीम के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है. इसके जो मेटालिक कलर्स है वो काफी होलोग्राफिक इफेक्ट देते हैं. मतलब सीरियसली, आप ये वाला जो कलर है इसका, इट्स टू गुड. मतलब बहुत अच्छा होलोग्राफिक इफेक्ट आता है आपकी आईज पे. आपको पता है आजकल मार्केट में होलोग्राफिक शूज, होलोग्राफिक पर्सेस और क्या नहीं, टॉप क्या क्या नहीं चल रहा है. अगर आपको एक आई शेडो मिल रहा है होलोग्राफिक तो एक बहुत अच्छी बात है, एंड वो भी Huda Beauty का. सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. हाँ, थोड़े से मैट वाले अच्छे हो सकते थे, बट इट्स फाइन. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड पैलेट, बट इट्स अ नाइस पैलेट, बट नॉट द बेस्ट ऑफ Huda Beauty. तो ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ. ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वेचेस की. अभी हम स्वेचेस पे मूव करेंगे. स्वेचेस देखने के बाद हम ट्यूटोरियल पे मूव करेंगे. सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ट्यूटोरियल. अब मैंने जैसे पहले बताया था कि मुझे लाइलेक वाला जो इनका पैलेट है वो बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो आज मैंने इसी का ही आपको ट्यूटोरियल देने का डिसाइड किया है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है,
कलर शेड्स तो आपको पता ही है बहुत अच्छे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू शेड. मतलब जो सबसे बेस बनाने के लिए आपके ये वाला शेड हम यूज करेंगे. सो आई हैव टेकन दिस राउंड फ्लफी ब्रश और इसको मैं लूंगी. ओके एंड आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट आउट. स्लोली क्रीज पे ब्लेंड करते रहना है आपको, क्रीज के आउटर पोर्शन पे. जस्ट ब्लेंड इट वेरी स्लोली और हल्के हाथ से बिल्कुल. ठीक है, सेम यही चीज मैं अपने लेफ्ट वाले आई पे भी करूंगी. अभी मैंने अपना प्रॉपरली एक क्रिएट कर लिया. मैं चाहूं तो थोड़ा सा क्या होता है, इसको ब्लेंड होने में कलर जो होते हैं वो सेट होने के बाद थोड़े डीपर लगते हैं, इसलिए बहुत संभल के ब्लेंड करना. तो ज्यादा आपको नहीं लेना है, बहुत कम क्वांटिटी लेके इसको ब्लेंड करने की कोशिश करना आप. ठीक है, अब मैं ये वाला शेड लेने वाली हूं और मैंने थोड़ा सा डेंस ब्रश लिया हुआ है क्योंकि मैं ये वाली क्रीज क्रिएट करने वाली हूं यहां पर. तो अभी हम ये वाला शेड लेंगे. हमेशा से पॉइंटेड लेना, एक्सेस को रिमूव कर दो और आउटर में सर्कुलर मोशन में मूव करना. तो अभी मैंने आउटर क्रीज भी क्रिएट कर लिया है. अब मैं सेंटर पे जो है वो शिमर की फिलिंग करने वाली हूं. तो मैं एक फ्लैट ब्रश यूज करने वाली हूं. इस पे इसको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि जब भी आप क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई भी ग्लिटर वाला आई शेडो यूज करते हो ना, हमेशा ट्राई करो कि आपका ब्रश जो है वो वेट हो गए. तो उससे क्या होता है, उसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हमेशा उसको वेट करना. तो मैंने इसको हल्का सा वेट कर लिया. अब मैं ये वाला कलर लेने वाली हूं. तो मैं इसको लूंगी. ओके और यहां को मैं सेंटर पे ऐसा डैबिंग मोशन में आप आराम से इसको कर सकते हो. तो अभी आप देख पा रहे हो गए कि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है. अभी मैं क्या करूंगी, इसके और इसके ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए मैं वापस से लैवेंडर वाला शेड ले रही हूं. इसका हल्का सा होकर के इसको वापस से मिक्स करूंगी ताकि ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ दिखे. नाउ मैं जितने ज्यादा से ज्यादा शेड यूज करने की कोशिश कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ. तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला शेड लेती हूँ. ये थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप से है तो मैं इसको यहाँ पे इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा फिल करने वाली हूँ. तो मैं वो कर लेती हूँ. मेन आपको अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट करना है एंड जस्ट ये वाला शेड लेते हैं हम थोड़ा सा. ओके एंड तो हल्का सा मैंने यहाँ पे स्मूथ इफेक्ट देने के लिए रोज गोल्ड का मैंने अंदर फिल किया हुआ है. से मैं ले ली ऑन दिस आई. तो मैं आपको क्लोजर लुक दिखा देती हूं. सो स्वैचेस और ट्यूटोरियल तो आपने देख ही लिया होगा. तो जस्ट मैं समराइज कर देती हूं इन टोटल कि इन टोटल ये जो पैलेट्स हैं दोनों,
ये आई नो बेस्ट नहीं है हुडा ब्यूटी के, बट दे आर वर्थ टू परचेज। एंड एक चीज जरूर बोलूंगी कि आप इसको ना नायका की सेल पे ही परचेज करना, क्योंकि नायका की सेल जब आती है, मुझे ये दोनों 1200 रुपए में मिले थे, ठीक है, मतलब पर पैलेट इज 50% ऑफ में मिला था। तो ट्राई करते रहो, देखते रहो, जब भी नायका की सेल आए वहां पे 50% ऑफ आए, इनको अपने कार्ड में पक्के से ऐड करके रखो और ले लो। मैं बोलती हूँ अगर दोनों नहीं परचेज करना चाहते हो फिर भी, अगर आपका ब्लू या पर्पल में जैसा भी शेड आपका फेवरेट है, उस शेड में एटलीस्ट एक तो आप परचेज करो, क्योंकि इसमें जो होलोग्राफिक मेटालिक कलर्स है वो आपके किसी भी लुक के साथ अच्छे लगने वाले हैं, किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि जो इनका होलोग्राफिक जो मेटालिक वाले कलर्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कलर स्पेसिफिक है, लगाने के बाद वो बहुत सटल सा लुक देते हैं जो आपके किसी भी ड्रेस, इवन ब्लैक पहनो, डार्क शेड पहनो, कुछ भी पहनो, उसके साथ जाएगा। सो यहां मेरा रिव्यू वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस को मिस ना करो। एंड इंस्टाग्राम मेरा हैंडल जो है उसको भी फॉलो कर लो, वहां पे मैं सारे अपने लाइव अपडेट्स देती रहती हूँ। सो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।